मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय पीता था और आज आपके सामने प्लेटफॉर्म का नाम और यहां लगी चाय की केतली देखकर कुछ याद आया। सही पकड़े हैं, ये गुजरात का वही वडनगर स्टेशन है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बचपन में चाय बेचा करते थे। ये देश कितना महान है, यहाँ के लोग कितने महान हैं। रेल के डिब्बे में चाय बेचने वाले बच्चे को अपने कंधे पर उठा लिया। 2014 के आम चुनाव के दौरान पहली बार चर्चा में आया मेहसाणा जिले के वडनगर स्टेशन का कायाकल्प हो चुका है। लाल बलुआ पत्थर की नक्काशीदार बनावट ने इस स्टेशन की काया पलट दी है, लेकिन इस स्टेशन पर मौजूद ये टी स्टॉल जस का तस है। ये वही टी स्टॉल है जिसकी कहानी पीएम मोदी से जुड़ी हुई है। पीएम मोदी के जीवन से प्रेरणा लेने के लिए वडनगर स्टेशन को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, तो पुरानी टूटी फूटी चाय दुकान की इस धरोहर को खास अंदाज में सहेजने की तैयारी है, इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाने की तैयारी है। बहुत अच्छी बात है। वैसे देखे जाए तो चाय की किटली तो एक आम चाय की किटली होती है, लेकिन वो किटली जहाँ पर खुद अपने देश के बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी साहब ने जहाँ से अपना बचपन बीता है, बचपन में काम किया है, उसको अगर लोगों के सामने रखने के लिए अगर कांच की पेटी में बंद करके रखा जाता है तो टूरिस्ट स्पॉट्स के लिए भी हम कह सकते हैं कि टूरिस्ट के लिए भी एक अच्छा आकर्षण का केंद्र बन सकती है। वैसे एक दिन पहले केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल वडनगर के दौरे पर थे। उन्होंने वडनगर स्टेशन पर मौजूद इस चाय की दुकान का दौरा किया। टीन की बनी इस दुकान का नीचे का हिस्सा जंग लगने से गलने लगा है। पर्यटन मंत्री पटेल ने इसे देखा तो अफसरों को निर्देश दिया कि चाय की इस टूटी फूटी दुकान को शीशे से पूरी तरह कवर कर इसके मूल रूप को सहेजा जाए, ताकि ये दुकान यहाँ आने वाले लोगों को याद दिला सके कि प्रजातंत्र में एक चाय वाला भी पीएम की कुर्सी तक पहुँच सकता है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री के ऐलान से वडनगर के लोग बेहद खुश हैं। वडनगर को पर्यटन स्थल के रूप में दुनिया में मिली नई पहचान के लिए वो पीएम मोदी के शुक्रगुजार हैं। वो गुजरात के लिए, ऑल इंडिया के लिए पर्यटक दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहा है, अभी बढ़ रहे और नया नया काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए नाम बहुत ऊँचा होगा वडनगर का, मोदी साहब का भी और वडनगर का भी। इससे पहले 2017 में संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय और भारतीय सर्वेक्षण के अधिकारियों ने वडनगर शहर का दौरा किया था, तब साथ में वडनगर को पर्यटन केंद्र बनाने का निर्णय लिया गया था। तभी करीब 125 करोड़ की लागत से पीएम मोदी के जन्म स्थान वडनगर को दुनिया के नक्शे पर लाने के लिए विकास योजना तैयार हुई थी। मुझे विश्वास है कि आप लोग अपने इस चाय वाले से, आपके इस प्रधान सेवक से भी खुश है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।